नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जितने भी लोग सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, सोराइसिस से लड़ रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं और कॉमन कमेंट हैं, और वो काफ़ी समय से मेरे पास आ रहे थे, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। कमेंट्स ये आ रहे थे, डाउट्स ये थे लोगों के कि भाई हम मिठाई कौन सी ले सकते हैं, या खाने के बाद हम क्या कुछ मीठा ले सकते हैं, या दिन में हमें मिठाई की मात्रा कितनी रखनी है, या कुछ मिठाई के नाम पे हम कुछ ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। इस तरीके के डाउट्स थे जितने भी सोराइसिस पेशेंट हैं। हालांकि मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है आपका एसिड होता है, जो चीनी यूज़ होती है मिठाई में, उसमें आपका एसिड पाया जाता है, जो कि एसिडिक एसिड होता है, और वो आपकी बॉडी में एसिड पैदा करता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब आज की वीडियो में हम मिठाई पर चर्चा करेंगे कि आपको मिठाई में दिन भर में आप क्या ले सकते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को सर्च करने के बाद ये पाया है कि जितने भी सोराइसिस पेशेंट हैं, उनको मीठा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है सोराइसिस में, उनकी इचिंग को बढ़ा देता है, उनके एग्रवेशन को बढ़ा देता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं, और जो जहां से ट्रीटमेंट लोगों का चलता है, डॉक्टर्स लोग भी सजेस्ट करते हैं कि मीठे को या स्वीट्स को अवॉइड कीजिएगा। तो अगर आप सोराइसिस पेशेंट हैं और डाइट पर हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपने दिन में कोई चाय नहीं पी है, दिन में कोई मिठाई नहीं खाई है, तो या तो अगर आप चाय पीने का आपको शौक़ है, तो सुबह के टाइम आपको चाय नहीं पीनी है, आपको शाम के समय चाय पीनी है, एक कप चाय आपको पीनी है, और एक शुगर फ्री जो चीनी आती है वो शुगर आपको डालना है उसमें। और या अगर पॉसिबल हो आपके पास, तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। गुड़ बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, सोर्स हो सकता है आपके लिए। तो गुड़ का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो चीनी से वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो एक समय यदि आपने पूरे दिन में कुछ भी आपने स्वीट्स नहीं ली है, तो आप अगर चाय के शौकीन हैं, तो चाय ले सकते हैं, शाम को एक कप चाय पीजिएगा गुड़ डाल के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गुड़ को जो लाइट कलर का गुड़ होता है, यानी कि जो वाइट जैसा गुड़ होता है, वो आपको नहीं लेना है, या जो येलो गुड़ होता है वो नहीं लेना है। गुड़ का कलर जितना ज़्यादा डार्क रहेगा, उसकी प्योरिटी उतनी ज़्यादा होती है गुड़ में। तो गुड़ अगर डार्क है, तो इसका मतलब वो शुद्ध गुड़ है और प्योर गुड़ है। तो जितना ज़्यादा गुड़ डार्क होगा, वो गुड़ आप इस्तेमाल करें अपने चाय के लिए। और गुड़ का इस्तेमाल यदि आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं, उसके बाद भी अगर आप 50 ग्राम गुड़ ले लेते हैं, तो वो आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है। और अगर आपको मिठाई का शौक़ है, तो वो आपकी जो मिठाई की इच्छा है, या मिठाई खाने का जो मन है, उसको भी शांत करेगा, क्योंकि गुड़ भी मीठा होता है। तो गुड़ को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका मिठाई का खाने का मन है। मिठाई में चीनी होती है, उसमें खोया होता है, मावा होता है, और मावा दूध से बना हुआ होता है। सोराइसिस में मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जो भी हैं, वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप मिठाई की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी यदि आपको खोया से बनी हुई मिठाई या मावे से बनी हुई मिठाई ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है कि आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है। हफ्ते 10 दिन में यदि आपको कुछ खाने का मन है, खोया का मिठाई या मावे का मिठाई, तो आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने डेली रूटीन में आप जहाँ पे चीनी यूज़ होती है, वहाँ पे गुड़ इस्तेमाल करें, और आपकी खुद ही इच्छा नहीं करेगी मिठाई खाने की, जब आप अपने लंच में, अपने डिनर में गुड़ को ऐड करेंगे, गुड़ को खाएंगे। सबसे अच्छा सोर्स माना गया है आपके खाए हुए भोजन को, आपके खाए हुए चीज़ों को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप भोजन के बाद गुड़ खाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है उस भोजन को पचाने के लिए। तो इसको अपने रूटीन में आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, अगर आपने दिन में कुछ भी मिठाई नहीं खाई है, कुछ भी मीठा नहीं लिया है, तो आप शाम को एक कप चाय ले सकते हैं, और अपने भोजन में, भोजन के बाद 50 ग्राम 40 ग्राम गुड़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी आप पे नहीं रहा जा रहा है बगैर मिठाई के, और गुड़ को आपका शौक नहीं है, या गुड़ आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपको वो डेली नहीं खाना है। अब हफ्ते 10 दिन में आपको, अगर आपका मन है, तो खोया की मावे की मिठाई बिल्कुल एक दो पीस आप खा सकते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में। तो इससे क्या है, आपका आपको ये भी लगेगा कि जो मेरी इच्छा थी वो मैंने खा लिया, बेशक वो आपने टेस्ट के तौर पे खाया। और मिठाई भी अगर हम खाते हैं, तो पेट भर के नहीं खाते हैं, वो टेस्ट के तौर पर ही हम लोग खाते हैं, जायके के लिए ही हम लोग खाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, और गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करें डेली, लंच के बाद, डिनर के बाद आप गुड़ थोड़ा थोड़ा ऐड करें अपनी डाइट में। उससे क्या है, आपका जो है डाइजेशन सिस्टम वो अच्छा करेगा, और आपकी जो मिठाई खाने की इच्छा है वो भी शांत होगी। तो जिन लोगों के भी मिठाई से रिलेटेड ये डाउट्स थे, ये क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपको बताया है, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको हमें अवॉइड ही करना होता है। तो जितने लोगों का भी ये डाउट्स था, ये क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में यदि आपको डाइट से रिलेटेड डाइट चार्ट चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। इस स्क्रीन पे जो नंबर आपको मिलेगा, उस पे आप मुझे अपना नाम और एड्रेस लिखकर भेजिएगा, मैं आपको जो है डाइट चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि सोराइसिस पेशेंट्स को
काफ़ी हेल्प कर रहा है सोराइसिस को क्योर करने में, सोराइसिस को कंट्रोल करने में। और ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे ले सकते हैं। तो तब तक जो है, अगर वीडियो आपको, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।